जिस समाज में नारी को सम्मान नहीं मिलता, जिस समाज में नारी सुरक्षित नहीं है, उस समाज का भविष्य अंधकार में है। हमारी बेटियों सुरक्षित सामाजिक वातावरण में जीने का हक मिलना ही चाहिए और हम वो उन्हें दिलाकर ही रहेंगे। फिरोजाबाद में सर्कुलर मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीम भाई ने एक प्रेस वार्ता की। आज दिनांक 12 अक्टूबर को समाजवादी सर्कुलर मोर्चा शाखा फिरोजाबाद की एक प्रेस वार्ता बांके बिहारी मैरिज होम नगला भाव फिरोजाबाद पर आयोजित की गई। बैठक में दिनांक 14 अक्टूबर को प्रथम बार समाजवादी सर्कुलर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव के जनपद फिरोजाबाद आगमन को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा बताया गया कि कटपोरी से लेकर टूला तक रोड शो रखा गया है, जिसमें 54 चौराहे चिन्हित है। इन चौराहों के अलावा 70 से 80 स्थानों पर स्वागत होगा और नुक्कड़ सभाएं होंगी। कटपुरी 10 बजे रोड शो का शुभारंभ होगा। टुंडला रॉयल गार्डन में शिवपाल सिंह मोर्चे को संबोधित करेंगे। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। प्रेस वार्ता रखी हुई किस संदर्भ में रखी हुई है? देखिए, 14 अक्टूबर दिन इतवार सुबह 10 बजे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक श्री शिवपाल सिंह यादव जी का रोड शो होगा। तो ये तटबोरी से लेकर टुंडला तक है। टुंडला के रॉयल गार्डन मैरिज होम में जनसभा होगी और तटबोरी से लेकर टुंडला के बीच में 54 मुख्य चौराहों पर माननीय शिवपाल जी यादव जी का भव्य स्वागत होगा। नुक्कड़ सभाएँ होंगी और बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़कर माननीय शिवपाल जी का स्वागत करेंगे। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है 14 अक्टूबर दिन इतवार सुबह 10 बजे से कटपुरी से। अच्छा, आगामी चुनाव को लेकर जैसे ये 14 तारीख को जो रोड शो अध्यक्ष जी का निकल रहा है, किस तरीके का विघुल का आशंका है इस तरीके से? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले इतवार को समाजवादी सेक्युलर मोर्चे की मासिक बैठक हुई थी। मासिक बैठक में जितने भी लोग उपस्थित हुए थे, भारी तादाद में लोग आए थे, तो उन्होंने हाथ उठाकर ये अनुरोध किया माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी से कि वो फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो अनुरोध जा चुका है उनके पास, उनके संज्ञान में भी है कि जनपद फिरोजाबाद की जो 17 लाख वोटर है, उनकी इच्छा है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी फिरोजाबाद से चुनाव लड़ें और हमें आशा है